अंडर थर्ड में हिंदी, उसमें हमारा 10th चैप्टर जिसका नाम है समस्या ऐसे सुलझी। तो ये साफ सफाई के बारे में पूरा ऐसा पाठ है जिसमें साफ सफाई की कितनी ज़रूरत होती है, कितना महत्व होता है, वो हमारा शरीर भी उससे स्वस्थ रहता है और मन भी प्रसन्न होता है और आसपास की जो पर्यावरण है उसकी भी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारी फर्ज है। तो वो सब बातें इस पाठ में हमें बताई गई है। तो यहाँ पे पहले ये है किसी जगह को साफ करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उस चित्र पर हमें राइट करना है। तो यहाँ पे पहला है झाड़ू, तो इसे हम साफ सफाई करते हैं तो यहाँ पे करनी है राइट। फिर है ये शीशा, तो उसका कोई यूज़ नहीं होता है। फिर ये है यस, तो उसे हो सकती है साफ सफाई। नेक्स्ट है ये पिक्चर, तो उससे भी हम साफ सफाई कर सकते हैं। ये है कूड़ादान यानी डस्टबिन, इसमें कचरा डालने से आस पास की जो जगह है, पर्यावरण है, वो पूरा स्वच्छ होता है, साफ होता है, तो ये भी राइट। और ये बुक है तो उसमें नहीं आएगा। तो ये आपको समझ के अच्छी तरह से करना है। तो पाठ की शुरुआत करें उससे पहले जो उसके वर्ड मीनिंग है वो पहले देख लेते हैं। शब्दार्थ में पहला है तबादला यानी किसी दूसरे स्थान पर काम के लिए भेजा जाना, उसे बोलते हैं तबादला। फिर है सरोवर यानी तालाब। उसके बाद विश्वास यानी भरोसा। पेय पदार्थ यानी पीने का पदार्थ, पानी है, जूस है, चाय है, उसे पेय पदार्थ बोलते हैं। फिर है व्याकुल यानी बेचैन। उसके बाद अनुरोध यानी प्रार्थना। फिर है स्वच्छ साफ, और लास्ट में है तंदुरुस्त यानी स्वस्थ। तो ये जो शब्दार्थ है वो आपको समझने हैं। यहाँ पे थोड़े जो शब्द है वो आपको उसका श्रुत लेखन करना है। मुंबई, तितलिया, पदार्थ, तख्तिया, कूड़ेदान और तंदुरुस्त। तो आपको ये दोहराना है। एंड समस्या ऐसे सुलझी, तो ये जो पाठ है वो एक पत्र के द्वारा हमें कुछ साफ सफाई यानी स्वच्छता के बारे में, पर्यावरण की रक्षा के बारे में बताता हुआ एक पूरा पाठ है। ये पाठ में दो पत्र दिए गए हैं। लेखन के द्वारा हमें कुछ ऐसी बातें सीखने को मिलती है। तो पत्र कैसे लिखते हैं वो भी हम इससे जान सकते हैं, और उसमें जो विषय आया है कि किसके बारे में पत्र लिखा गया है तो उसका भी हम महत्व यानी कि जो उसकी आवश्यकता है उसके उसका जो महत्व है उनके बारे में जानेंगे। आशीष नाम का एक लड़का है, वह उसके पिता के स्थानांतर के कारण मुंबई उसे जाना पड़ता है। उसके पिताजी है उसकी जो ट्रांसफ़र बोलते हैं वो मुंबई में होती है और वहाँ से वो सभी जाते हैं। वो उसके नए घर में जाकर सामने बाग को देखते तो वो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। और उसकी प्रसन्नता के विषय में वो एक पत्र है वो उसके चाची को लिखता है। तो ये उसके बारे में बताया है कि स्वच्छता, बाग में स्वच्छता कैसे करते हैं और पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है तो वो भी करना है, उन सबके बारे में बताता हुआ ये पाठ है। तो आइए उसकी शुरुआत करते हैं। पिताजी का तबादला मुंबई होने के कारण आशीष अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई आया था। आशीष को साफ सफाई बहुत पसंद थी। यहाँ मुंबई में आशीष के घर के पास एक बहुत सुंदर पार्क था। आशीष को यह पार्क बहुत पसंद था। आशीष इस पार्क के बारे में अपनी चाची को भी बताना चाहता था। उसकी आरती चाची दिल्ली में रहती है, उसने उन्हें पत्र लिखा। देखो यहाँ पे तबादला यानी स्थानांतर होना, स्थानांतरण होना, जिसे इंग्लिश में ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो
आशीष के पिताजी है वो उसका मुंबई ट्रांसफर होने के कारण उसका पूरा परिवार है वो मुंबई जाता है और वहाँ पे बाग बगीचे उसका घर वो सब देखकर आशीष बहुत प्रसन्न होता है और वो उनके बारे में उनकी चाची को बताता है और वो कैसे बताता है उसे पत्र लिखकर। आशीष चाची है वो कहाँ पे रहती है दिल्ली में और उसकी चाची का नाम क्या है आरती। कौन पत्र लिखता है आशीष। आशीष है वो उसकी चाची को कहाँ पे लिखता है दिल्ली में पत्र लिखता है। तो अभी यहाँ पे हमें ये जानना है यहाँ पे पत्र में पहले यहाँ पे लिखा है आदरणीय चाची जी सादर प्रणाम। देखो वो पत्र लिखा है वो यहाँ पे दर्शाया है आशीष ने उसकी चाची को पत्र लिखा है। तो यहाँ पे जिसको हम पत्र लिखते हैं उसका नाम या फिर जो कोई वडिल होता है तो उसके अनुसार संबोधन करके हमें लिखना होता है। तो चाची है वो बड़ी है वडिल है इसलिए यहाँ पे लिखा है आदरणीय सादर प्रणाम। फिर नीचे लिखा है हम सभी यहाँ मुंबई में बहुत खुश है। यहाँ एक बहुत सुंदर पार्क है इसमें चारों ओर हरियाली सुंदर फूल साफ पानी का सरोवर व ताजी हवा है। पता है मैंने मिनल मछली और डीना बतख को अपना दोस्त बना लिया है वो मेरे साथ खेलते हैं। यहाँ बहुत सी तितलियाँ तालाब के पास लगे फूलों पर मंडराती रहती है। आप हमसे मिलने हमारे यहाँ आओ। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पार्क को देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखो उसकी चाची को जो बात बताई है वो बीच में लिखा है वो सब। अब तो उसने ये बगीचे के बारे में पूरा बताया है कि वहाँ पे क्या है कौन कौन सी चीज़ें हैं वो कैसा महसूस करता है वो सब यहाँ पे बताया है और लास्ट में बताया है आपका भतीजा आशीष जिसने भी ये सब बातें बताई है जिसने भी लिखा है उसका नाम यहाँ पे लास्ट में आता है। तो यहाँ पे है आपका भतीजा आशीष। आशीष ने उसकी चाची को ये सब लिखा है। पहले क्या देखा आशीष है वो मुंबई जाता है तो वहाँ का जो खुशनुमा वातावरण है पर्यावरण है उसका जो घर है उन सब के बारे में वो चाची को बताता है कि यहाँ पे ये बाग बगीचा है ये उसमें बगीचे में ये सब है। वो उसको देखकर खुश होता है और उसकी चाची को पत्र लिखता है। अभी आगे क्या होता है पर ये क्या कुछ दिनों बाद पार्क उतना अच्छा नहीं रहा। पार्क में पेय पदार्थ के एक टूटे डिब्बे पर गिरने से आशीष के पैर में चोट लग गई। एक प्लास्टिक का टुकड़ा खाने के कारण डीना बतख के पेट में दर्द होने लगा। मिनल मछली डर के कारण पानी के अंदर ही रहने लगी। तितलियों ने भी तालाब के पास आना बंद कर दिया क्योंकि बच्चों ने सारे फूल तोड़ दिए थे। जल्दी ही आरती चाची को आशीष का एक और पत्र मिला। अभी देखो ये खुश होता है पर थोड़े दिन बाद वो कुछ ऐसा देखता है पार्क में तो वो उदास हो जाता है नाराज हो जाता है और अपनी चाची को फिर से एक पत्र लिखता है। तो वो क्या है क्यों ऐसा हुआ क्योंकि थोड़े दिन बाद पार्क में जब उसने देखा तो आसपास में ऐसी गंदगी थी। फिर पेय पदार्थ यानी पीने का जो पदार्थ होता है चाय या प्लास्टिक का कोई डिब्बा होता है वो सभी आसपास में बिखरे हुए थे। चारों ओर गंदगी ही थी और आशीष के पैर में ये सब आने से चोट भी लगी। एक प्लास्टिक का टुकड़ा तो डीना नाम की जो बतख यानी आशीष का फ्रेंड था आशीष की दोस्त हो गई थी डीना बतख वो प्लास्टिक का टुकड़ा उसके पेट में गया तो उसे दर्द होने लगा। और मिनल मछली है वो भी
डर के कारण पानी के अंदर ही रहने लगी, पानी के बाहर नहीं आती थी। तितलियों ने भी तालाब के पास आना बंद कर दिया क्योंकि बच्चों ने सारे फूल तोड़ दिए थे। जल्दी ही आरती चाची को आशीष का एक और पत्र मिला। ये सब देखकर आशीष है वो हैरान हो जाता है और उसकी चाची को फिर से एक पत्र लिखता है। तो अभी वो दूसरा पत्र कौन सा होगा? यस, वेरी गुड। ये सभी जो समस्या है उसका कोई ना कोई इलाज मिले, इसके बारे में लिखा हुआ पत्र होगा। तो चलो आइए अब हम उसका जो दूसरा पत्र है वो पढ़ते हैं। आदरणीय चाची जी, सादर प्रणाम। फिर से हम कोई भी पत्र पहले लिखते हैं तो यहाँ पे ये लिखना कंपलसरी है। कोई हमारा कोई मित्र हो, हमारी एज का ही हो, तो हम प्रिय मित्र या फिर प्रिय उसका जो नाम है वो आप लिख सकते हो। पर यहाँ पे हम वडिल को लिखते हैं, इसीलिए बोला है आदरणीय, आदर करते हुए। आदरणीय चाची जी, सादर प्रणाम। मैं बहुत उदास हूँ, हमारा पार्क खराब हो गया है। लोग यहाँ पिकनिक के लिए आते हैं और कचरा फैला जाते हैं। वे यहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ, पेय पदार्थों के डिब्बे आदि घास व तालाब में फेंक देते हैं। कल मैंने कुछ बच्चों को तालाब में कागज़ की गंदी प्लेटें व गिलास फेंकते देखा। बच्चों ने यहाँ सारे फूल भी तोड़ दिए। अब यह पार्क बहुत गंदा दिखता है। मैं बहुत व्याकुल हो गया हूँ, मेरी मदद करो। आपका भतीजा आशीष। आशीष ने उसकी चाची को उन सब के बारे में बताया और वो चिंतातुर है, उसका इलाज क्या करे, वो मदद मांगने के लिए ये सब लिखा है। देखो यहाँ पे हम किसी भी पार्क में या फिर कहीं पे भी हम जाते हैं तो आसपास हमें गंदगी कचरा फैलाना नहीं चाहिए। हम भी पार्क में जाए तो नाश्ता वगैरह कुछ करते हैं तो वो बाकी बचा हुआ जो कुछ भी है वो सब डस्टबिन में यानी जो कूड़ादान होता है उसमें ही डालना चाहिए, हमें उसमें ही डालना चाहिए। क्योंकि ये जो गंदगी है वो आप ऐसे ही छोड़ के चले जाते हो तो वहाँ पे दूसरे लोग भी आते हैं, वो भी गंदगी फैलाते हैं, तो सब जो कचरा है वो फैल जाता है और उस पर कई ऐसे पक्षी है, कई ऐसे जानवर है वो खाए तो उस भी नुकसान होता है, तो पर्यावरण की भी रक्षा नहीं होती है, पर्यावरण को भी नुकसान होता है और जो जीव है छोटे छोटे उसको भी नुकसान होता है। तो ये जो सब है वो हमें नहीं करना चाहिए। कचरा है वो हमें कूड़ेदान में ही डालने की आदत करनी चाहिए। बच्चों को या फिर बड़ों दोनों को पार्क में लगे हुए जो फूल है पत्ते है वो तोड़ना नहीं चाहिए। ये फूल हम तोड़ देते तो फिर ऐसे ही छोड़ देते तो नीचे कचरा होता है तो तोड़े। उसके अलावा जो फूल है वो पौधे पर हुआ रखे तो उसकी शोभा भी बढ़ती है और पर्यावरण की भी रक्षा हुई और कचरा भी नहीं हुआ। तो हमें ये सब बातें ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पे है सोचो, आशीष की चिट्ठी पढ़कर आरती चाची ने क्या किया होगा। देखो आशीष ने ये पत्र लिखा है उसके उपाय के बारे में, तो उसकी चाची ने उसे क्या बताया होगा। आशीष की चिट्ठी मिलने के 3 दिन बाद ही आरती चाची आशीष के घर मुंबई पहुंच गई। आरती चाची को देखकर नन्हा आशीष बहुत खुश हुआ। चाची ने उसके लिए लकड़ी की 4 तख्तियां बनाई। उन्होंने मिलकर इन्हें पार्क पर इस तरह लगाया कि सब लोग इन्हें आराम से देख व पढ़ सके। देखो आरती चाची ने क्या बनाया, लकड़ी की 4 ऐसी तख्तियां बनाई और उसमें कुछ लिखा है और वो पार्क में लगाने को आशीष से बोले। तो क्या क्या लिखा होगा चलो आइए अब हम वो पढ़ते हैं। तो पहला है यहाँ पे एक अनुरोध। पार्क में हम जब जाते हैं, एंटर होते हैं, तो वहाँ पे होता है पहले ही सूचना लिखी है, यह आपका पार्क है, इसे साफ रखें।
ये पहला तख्ता है वो आरती चाची ने बनाया है, वो यहाँ पे लगा दिया। फिर आगे जाते हैं तो बगीचे में फूल होते हैं, तो फूलों में ये लिखा कृपया फूल न तोड़े। फिर थोड़े थोड़े आगे जाए तो तालाब आया, तालाब में क्या लगाया कृपया तालाब को साफ रखे, यानी जो कचरा है कोई भी ऐसी खाने की चीज़ है वो तालाब में न डाले, तालाब को साफ रखे। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है कृपया यहाँ कूड़ा न फेंके। यहाँ पे बगीचा है, एक प्रवेश होता है तो वहाँ पे पहले ही लिखा है कि अंदर कृपया यहाँ कूड़ा न फेंके। कूड़ा कहाँ पे डालना है, कूड़ेदान में। तो ये ऐसी तख्तियाँ बनाकर पूरे बगीचे में लगा दी और सब लोग इन्हें आराम से देखते हैं और पढ़ते भी हैं। अब जो लोग पार्क में घूमने आते हैं वे इन तख्तियों पर लिखी बातों को पढ़ते हैं और कूड़ा करकट नहीं फैलाते। अब वे कूड़े को कूड़ेदान में ही फेंकते हैं। पार्क अब पहले की तरह बहुत स्वच्छ हो गया। सभी बच्चे बहुत खुश व तंदुरुस्त है और आशीष उसकी प्रसन्नता की तो कोई सीमा नहीं रही। देखो अभी पूरे बगीचे में ये तख्तियाँ लगाकर क्या होता है, पूरा जो बगीचा है वो एकदम साफ सुथरा स्वच्छ हो रहता है। ये जो तख्तियों में लिखी बात है वो सब लोग पढ़ते हैं और उसका अनुकरण भी करते हैं और आसपास में कूड़ा कचरा नहीं फैलाते। कूड़े को कहाँ पे डालते हैं, कूड़ेदान में। तो ये ऐसी पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण में स्वच्छता फैलाना, आसपास स्वच्छता साफ सफाई करना, वो सब हमारा शरीर हमारा जो मन है वो भी स्वच्छ रहता है। ये सब देखकर शरीर की भी जो तंदुरुस्ती है वो बढ़ती है। देख ये सब नज़ारा देख आशीष की तो प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। तो ये पाठ है वो आपको अच्छी तरह से साफ सफाई के बारे में बताया है। तो हमारे घर के आसपास, हमारे घर में और हमारे शरीर की भी साफ सफाई अच्छी तरह से करनी चाहिए। हमें हमारे नाखून है, बाल है और हमारा जो शरीर है उसकी भी हमें स्वच्छता लानी चाहिए, जिससे बीमार नहीं रहते और तंदुरुस्ती भी बढ़ती है। तो ये पाठ है आपको अच्छी तरह से समझना है।